राम राम जी। ये हमारा फ्लैट बैक कटर है, इसका एक बार मैं आपको यूज़ पहले आप देखिए परफोरेशन, जिसमें आप कर सकते हैं ये आपका क्रीजिंग हो जाता है, क्रीजिंग कर सकते हैं, फुल कटिंग कर सकते हैं और हाफ कटिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको वर्क हैं, मैं अभी मशीन एक बार स्टार्ट करके आपको वर्क दिखाता हूँ। इसमें फोर शीट्स 13x19 की फोर शीट्स एक साथ आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। जब भी आपको फोर शीट्स यूज़ करनी है तो जो आपका गैप है ये आपको ध्यान रखना है, अप्रोक्स 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 10 से 12 mm के आसपास आप इसमें गैप रखिए सब शीट्स में। ये ऑटोमेटिक कैमरा जो है सेंस करेगा और चारों शीट्स पे मूव करेगा और कटिंग करेगा। अभी मशीन पे जो हमने ब्लेड्स यूज़ किए हैं इसमें हम फुल कट कर रहे हैं और क्रीजिंग एंड परफोरेशन, तो ये तीन काम इसमें अभी आपके एक साथ हो रहे हैं। मशीन के साथ जो आपको ब्लेड्स आ रहे हैं टोटल 4 टूल्स इसमें काम करते हैं, 2 फुल कट, 2 कटिंग के और 2 क्रीजिंग के। तो क्रीजिंग जो है थिन और थिक दोनों क्रीजिंग इसमें कर सकते हैं। मैं ब्लेड्स आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए जो आपका ब्लेड है ये क्रीजिंग के लिए, ये क्रीजिंग है, ये थिन क्रीजिंग है। इसमें फिर आपका जो ब्लेड्स हैं दो ये थिक, इसमें क्रीजिंग जो है आपकी थोड़ी थिक हो जाती है इस तरह से, तो दो ब्लेड अलग से, इसमें थोड़ा थिक और थिन दो ब्लेड हो। शीट आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये ऑटोमेटिक जो है मूव करता है, कैमरा है सेंस करता है। ये ब्लेड आपको साथ में आ रहा है, ये ब्लेड आपका कोरोगेटिंग बॉक्स के लिए है। मशीन में बहुत डिफरेंट टाइप के आप मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड जो शीट्स हैं ये आप 600 GSM तक इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कोरोगेटेड बॉक्स अगर आपको करना है तो 3 mm तक कोरोगेटेड बॉक्स कर सकते हैं, ग्रे बोर्ड आपने देखा है ग्रे बोर्ड 2 mm ग्रे बोर्ड, और PVC होलो बोर्ड जो होता है वो 3 mm तक इसमें कर सकते हैं, और मैग्नेटिक शीट भी अगर आप यूज़ करते हैं तो अप्रोक्स 1.5 mm थिक आप मैग्नेटिक शीट इसमें कटिंग कर सकते हैं, और लेदर थिन लेदर जो है वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ हैं इसमें प्रोडक्ट जो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट बॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स भी आप इसमें इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम एयर सक्शन के लिए साथ में आएगा, जो वीडियो हम ये बना रहे हैं इसमें मॉडल जो ये है 6698 24x36 इंच तक का इसमें हम
प्रोडक्ट कटिंग कर सकते हैं। अभी एक बार ये आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाता है तो एक बार मैं आपको इसमें बताता हूँ हम इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शीट जो है ऑटोमेटिक सेंस करता है और मूव करता है कटिंग के लिए। मशीन में आप बैक साइड भी क्रीजिंग कर सकते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो क्रीजिंग जब करते हैं तो कई बार प्रिंट जो है वो प्रिंट उतर जाता है। तो मशीन में इसमें ऑप्शन है, स्पेशल फीचर ये है, आप इसमें जो शीट है इसको आप बैक साइड से भी रख के क्रीजिंग कर सकते हैं, आपका प्रिंट ख़राब नहीं होता है उससे और रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। अभी हमने इसमें जो डिज़ाइंस दिए हैं कार्ड्स के लिए, इसमें क्रीजिंग भी है और फुल कट भी है, दोनों हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने परफोरेशन दिया हुआ है, फुल कट भी हो रहा है और परफोरेशन भी हो रहा है। तो जो ब्लेड्स हैं सब एक साथ इसमें वर्क कर रहे हैं, फुल कट के लिए भी, क्रीजिंग के लिए भी और परफोरेशन के लिए भी। मशीन में जो फोर्स है 1900 G है, प्रेशर एडजस्टेबल है, स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्लो फास्ट का ऑप्शन है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है।